अंदर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। और आज भाई अपने साथ न्यू बीस्ट है, दिस इज आरसी 390 विद मी। चलो एंड वी आर निंजा V3 390 आई एम ऑन विक्टर एंड वन मोर निंजा। ये भाई अगर आप लोग पुराना वीडियो देखे होंगे तो ये भाई अपने साथ आजाद हिंदी गए थे, उसके बाद से अभी तक राइड नहीं हो पाई है, उनके साथ दूसरा राइड है। रंजीत वहाँ वेट कर रहा था, हम लोग ये पेट्रोल पंप बंद था तो हम लोग वो पेट्रोल पंप पे फ्यूल ले रहे थे। और भाई ये बाइक तो कल ही पैम्परिंग वगैरह सब कुछ हो गया था, तेल वेल सब कुछ डलवा लिए थे क्योंकि सुबह का टेंशन नहीं लेना था। तो और इन लोग का भाई डलाना वगैरह था तो हो गया सब कुछ। और हम लोग भाई बहुत लेट है, संडे का मॉर्निंग राइड कर रहे हैं, सिटी राइड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत लेट है भाई, बहुत लेट है। मतलब अभी 7 बजने को आ गया है और हम लोग अभी तक यहीं पे चक्कर काट रहे हैं। लो अब और सिग्नल भी खा गए। सर इसमें मीटर भी न्यू लगा है। हाँ इसमें मीटर भी न्यू लगा है, इसको रिमूव कर देता है। सो किलोमीटर रन 41.9, ओडोमीटर 41, एकदम न्यू मीटर है क्योंकि इसका लास्ट मीटर भाई पूरा खराब हो गया था। तो बसंती हाईवे होते हुए हम लोग निकलेंगे न्यूटाउन की तरफ और फिर देखते हैं आगे राइड में। भाई ZX है ना, बंदे आगे रह गए हैं। सो अब चेक करते हैं इसकी पावर। दिस इज VS3 मॉडल और भाई यकीन नहीं करोगे ये बाइक स्टॉक एग्जॉस्ट पर पटाखे मारती है। पता नहीं माइक कैप्चर कर पाए या नहीं, बट हर गियर शिफ्टिंग में इसका क्रैकल आता है। उतना देर से भाई रंजीत का वेट हो रहा था, अभी सब आ चुका है एंड हम लोग फिर निकल रहे हैं। तो ये रही निंजा, रंजीत की V3, ये रही मेरी V3। मेरा V3 भाई मानव चला रहा है। तो भाई क्या लग रही है, वो क्या हुआ बाबू यार, अपना बाइक का बेइज्जती नहीं करना चाहिए तो इस वजह से मेरी गॉडज़िला सबसे आगे रहेगी। चला रहा है यार, यार अभी तक एक कावासाकी शायद पीछे है आई गेस।
ये अरुण से हम अंदर जा सकते हैं। इसमें भी भाई योशिमोरा का एग्जॉस्ट लगा हुआ है ड्यूल फेस। हम लोग यही भाई बसंती हाईवे होते हुए नोएडा निकलेंगे, फिर वहाँ कुछ नाश्ता वास्ता होगा। एक और बात है जो अभी सरप्राइज है और सोच रहे कि मतलब जैसे ही बन के सब्सक्राइबर होगा बाइक का भाई थोड़ा कलर वलर चेंज करते हैं, क्या बोलते हो? मतलब मन कर रहा है थोड़ा मतलब रैप वैप किया जाए। और भाई एस जे कैम्स अभी जो टू बी ऑनेस्ट एकदम फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, जैसे वाइड एंगल वगैरह हुआ तो एकदम फील नहीं आ रहा है। तो वी विल अपग्रेड टू GoPro वेरी सुन, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद, उसके बाद से भाई अपग्रेड आएंगे। और निकलो निकलो भाई, 390 लेके तौकीर मतलब बेइज्जती कर देगा यार, 390 लेके सबसे पीछे क्या कर रहे हो भाई तू? देखो 90 ऐसे चलाते हैं। भाई ये बाइक ना मतलब थोड़ा ब्रूटल टाइप का बाइक है, BS3 है और इससे ब्रूटैलिटी ना मतलब भरा हुआ है, इसमें लग रहा है कि अब एक्सीडेंट हो जाएगा। और इतना भाग रहा है ना यार, मतलब V3 के बाद चलाने के बाद से, वो तो भाई 150 cc की बाइक है, उसके बाद ये डायरेक्ट 400, तो थोड़ा ना ओवर पावर बाइक लग रहा है। वाह, मेरी दोनों बाइक में टिल्ट आईडी नहीं है और कल ही वॉश हुआ है और आज ये देख लो पक्का गंदा होना है। सीधा पावर ऑफ 390। इसको देखो, अपना स्टंटमैन क्या कर रहा है भाई, नहीं करना चाहिए, ये हाईवे ऐसी बहुत खराब है। Few moments later. तो भाई अपनी बाइक शफल हो गई है, ओ मैं चलाऊंगा V3 Godzilla अपनी, भाई इसका शॉट क्लच है यार। और ये रही RC, चलो लेट्स गो भाई। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग गया यार ये बाइक, थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का हो रहा है ये बाइक से, मतलब जब से RC आई है ना, मैं RC को ही कंटिन्यू चला रहा हूँ, मतलब एक तरह से डेली ड्राइवर हो गया वो। पहले मेरा स्कूटी हुआ करता था, इस बाइक को मैं ऐसे भी जल्दी चलाता नहीं हूँ एरिया में, तो जब से RC आया था तो भाई RC चला रहा था और RC का सीट से मैं हैबिचुएटेड हो गया था। लेकिन ये बाइक यार बहुत कॉम्पैक्ट लग रही है, मतलब थोड़ा हैंडलिंग वैंडलिंग थोड़ा अजीब लग रहा है।
भाई इसकी पावर डिलीवरी बड़ी स्लो है यार एज कम्पेयर टू आर सी। भाई यही है अपनी गॉडज़िला और यही रहेगी हमेशा अपने साथ। वाह इतना जल्दी बसंती हाईवे खत्म भी हो गया देखो। ओ भाई आराम से भाई। देखो क्या साले पुलिस वाले हैं। और अपने भाई लोग 390 फुल जीस। One hour later. लीन वाले बंदे सारे आगे जाओ। ओ मैन भाई इतने सारे पुलिस वाले यार थोड़ा हालत खराब हो जाता है क्योंकि भाई अपने बाइक में सारे इलीगल मॉड्स हैं। और अभी तो भाई 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद तो और भी प्लान चेंजेस है, थोड़ा रैप वगैरह होगा। तो यार जल्दी जल्दी 1K करो सब्सक्राइबर्स, इसके बाद भाई अपग्रेड आएंगे, थोड़ा रैप किया जाए, न्यू लुक्स दिया जाए।